कलेक्टर के खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत। कांग्रेस ने कलेक्टर पर लगाए निष्पक्ष न होकर कार्रवाई करने के आरोप। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जबलपुर एसपी को हटाने के बाद अब जबलपुर कलेक्टर के खिलाफ भी कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कलेक्टर सहित एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जबलपुर के कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी एक पक्षीय कार्यवाही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग के निर्देश की अवहेलना करते हुए सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रशासनिक अधिकारी निशाना साध रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ मध्य प्रदेश सरकार के अनेक विज्ञापन अभी भी मौजूद हैं, जो सीधे एकपक्षीय फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रहे हैं। इस कारण जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर का निष्पक्ष भाव प्रतीत नहीं होता। कांग्रेस ने विज्ञापन का वीडियो भेजा है। मामले में उचित कार्यवाही पर तत्काल जबलपुर कलेक्टर सहित एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव सौरभ शर्मा ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित रांझी एसडीएम तहसीलदार को हटाया जाए। कांग्रेस के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए गए आरोप को लेकर जब हमने जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन रिसीव नहीं हो पाया। बहरहाल कांग्रेस ने शिकायत के माध्यम से कलेक्टर को हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि दो दिन पहले कांग्रेस की शिकायत पर जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी को भी हटाया गया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।